हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास इन हरियाणा एडियो संजीवनी बैच, जो कि पब्लिकली सभी के पास जा रही है। इसके आगे जितनी भी क्लासेज होंगे वो आपको प्राइवेटली शेयर की जाएगी। जो स्टूडेंट बैच में होंगे उन्हीं को वीडियो मिलेगी। सो अगर आप हरियाणा एडियो का संजीवनी बैच चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उससे आप पूछ सकते हैं। उसमें आपको मेरी आईडी मिलेगी। जैसे आप मेंबर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको नरेन के नाम से जो आईडी मिलेगी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट है हम ट्राई करेंगे एड्रेस करने। सो ये क्लास हरियाणा एडीओ जो संजीवनी बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये फर्स्ट क्लास है, और इससे आगे क्लास आपको प्रोसीड करनी है। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आप लोगों को ही मिलेगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सो जैसे हम एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं तो एग्रीकल्चर हमारे दिमाग में आता है कि फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री। सो इसी की तरह एग्रीकल्चर सिर्फ एक डेफिनेशन एस्पिरेंट यूज करते हैं कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, विच इज नॉट कम्प्लीट। आपको यूज करना की ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप या फिर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, नॉट फील्ड क्रॉप मत बोलना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरी साइंस, या फिर कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिसमें आपकी सारी की सारी क्रॉप्स हैं और ये एनिमल हस्बेंड्री इस टाइप से। और इट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब जो एक इंडिविजुअल फार्म है हमारे पास, एक फार्मर के पास उसकी लैंड है, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाती है। और किसने इसको रेकोगनाइज किया था? सबसे पहले स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997 में कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में तीन टाइप की एक्टिविटी है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। और इस वीडियो के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो राइटिंग वगैरह भी, बाकी इसके साथ में ज्यादा अलाइन नहीं हुआ हूँ, एक या दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए, तो राइटिंग का थोड़ा इश्यू है अभी तक। 17% हमारे नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर। सो ये जो हमारे ये नोट्स हैं सिर्फ बैच के स्टूडेंट को मिलेंगे, तो आपको जो हाईलाइटेड चीजें हैं सिर्फ वही पढ़नी है, और जहाँ पे क्यू मार्क में कर रहा हूँ सो ये मानना कि वो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 17% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 52% जो हमारा नेशनल वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी तो इसमें 52% जिसमें एग्रीकल्चर आता है, और वो सारे सेक्टर आएंगे जिसमें इनिशियल फेज हो रही है, क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी इनिशियल फेज। सेकेंडरी में वो प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया लेकिन उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, इन द सेंस कि हमने जैसे यहाँ पे वीट लगाया था, तो वीट का हमारा जो एक फार्मर का पर्पज है कि वीट को हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच दे, फिर उसका रोल खत्म, फिर रोल शुरू होगा सेकेंडरी का, जहाँ पे ये आड़ती वगैरह हम बोलते हैं, तो इनके पास जो वीट जाएगा तो एक टाइप प्रोसेसिंग की कैटेगरी में, फिर सेकेंडरी मार्केट की कैटेगरी में आएगा, इन्होंने सेल कर दिया, उसके बाद टर्शरी, जैसे इंडिया ने सेल किया था अफगानिस्तान को, एक्सपोर्ट किया था, तो एक हमारी टर्शरी एक्टिविटी। और इसमें अगर हम जस्ट अ मिनट थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूं, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है 17% जीडीपी में, हमारा सेकेंडरी जो सेक्टर है वो कर रहा है 35% के आसपास, जिसमें इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो कर रहा है 54%, जिसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, जिसमें हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, तो इंडिया की सर्विसेज टॉप मोस्ट में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए आगे देखते हैं, और इस क्लास में ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल डाटा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं। आपको जो फैक्चुअल डाटा है उसको नोट डाउन करके अपनी नोट्स बनाने हैं, जस्ट एक पेज में इस क्लास को आप लेके आने की कोशिश कीजिए। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से हम फुलफिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जैसे 52% लोग लगे हुए हैं, और सीजनली ये 60-70% भी चली जाती है। इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो 66% एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। इनकम जनरेट कर रहा है, पॉवर्टी दूर कर रही है, ये जनरल पॉइंट है। 1960 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, इसका क्या पर्पज था कि 1943 में बंगाल फेमाइन आई थी जिसमें 1 करोड़ लोगों की जान चली गई, क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज थी हमारे पास, और जो स्ट्रक्चर था हमारा ब्रिटिशर्स ने राज किया था तो उस हिसाब से हमारे पास नहीं था कि हम फूड क्रॉप्स की तरफ ध्यान दें, वो सिर्फ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स या फिर कॉटन, नील, इस टाइप की क्रॉप ग्रो करवाते थे, फोर्सफुली लोगों को ग्रो करनी पड़ती थी। तो उसके कंटेक्स्ट में बंगाल में बहुत बार फेमाइन आई है, लेकिन 1943 की जो फेमाइन है वो आपको इंपॉर्टेंट कंसिडर करनी है। लेकिन 1960 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएट किया कहां से? मैक्सिको से। अगर कंट्री का स्पेसिफिक नाम पूछे तो मैक्सिको से हमने ड्रॉप व्हीट की वेराइटी लेके आए थे, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन व्हीट का ही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी
ये वाला जो रीजन है वहां पे प्रोडक्टिविटी 2 to 3 times इंक्रीज हुई थी वीट और राइस की। इससे हमने क्या अचीव किया, 3.5 times हमने फूड ग्रेन में अचीव कर लिया। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये जनरल आप छोड़ सकते हो, 4.8 times इन एग प्रोडक्शन, 5 time इन फिश में, 3.5 हमने फूड ग्रेन में अचीव किया है। तो आपसे इंटरव्यू में या फिर कैसे भी पूछ ले कि हमने क्या अचीव किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो 3.5 times हमने जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी, वो बढ़ाई है आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमने आईसीआर को बनाया था, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके टाइम में प्लानिंग कमीशन आया जो कि पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, उसमें हमने क्या किया, रशियन मॉडल, जो कि रशिया कंट्री 1930 में क्राइसिस आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सिर्फ रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, बाकी सभी डाउन जा रही थी, तो इंडिया ने रशिया से इंस्पायर होकर 5 years का जो मॉडल है वो अडॉप्ट किया, जिसमें फर्स्ट 5 year प्लान में हमने क्या अचीव किया, जो डोमाल्ड हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल आई थिंक, उसमें एग्रीकल्चर पे हमने फोकस किया था कि हमें एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा अचीव करना है, लेकिन वो प्लान हमारा फेल हो गया था। थोड़ा बहुत हमने ज्यादा अचीव किया था, जो टारगेट सेट किया था 6% 5% उससे ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज्यादा सक्सेस उसमें हमें नहीं मिली। सेकंड में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, वो भी एज सच कुछ ज्यादा नहीं था, इंडस्ट्री सेक्टर में हमें थोड़ा ग्रो किया, लेकिन उसके बाद 1960 के बाद ही हमने, अगर मेनली बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है इसमें। फार्म प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ाई थी, इंपोर्ट उस टाइम ज्यादा करे थे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इतना याद रख सकते हो कि 1950 में जो फर्स्ट 5 year प्लान था, तो 18% ही हमारे पास इरिगेटेड लैंड थी ओवरऑल की अगर हम बात करें। और जो बैच के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको एक 5 to 6 minutes की वीडियो मिलेगी, जिसमें सारा का सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किस हिसाब से आपकी क्लासेज रहेंगी, और आपके जो सजेशन है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे। 1960s में हमने इंट्रोड्यूस किया था, ये सब आपने देख लिया, गुश द प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन M.S. स्वामीनाथन इन इंडिया, एनी बोरलॉग इन वर्ल्ड, कहां से है ये, USA से आई थिंक, उस दिन हमने क्वेश्चन भी पूछा था। और आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने 3300 इंप्रूव्ड वेराइटी फील्ड क्रॉप में लेके आए, 700 वेराइटी हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में लेके आए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने फोकस किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको फ्लड रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ऑपरेशनल फ्लड भी बोलते हैं, इसके फादर थे वर्गीस कुरियन, और उसी उन्हीं की याद में हम 1 June को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। उस टाइम हमारे पास 124 grams पर डे मिल्क कंजप्शन थी, लेकिन आज ये 300 grams से ज्यादा हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप एग्जैक्ट डाटा बता सकते हैं अगर आपको पता है। 5 eggs पर डे था उस टाइम, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये उस टाइम जो करंट का डाटा होगा उसी को हम फॉलो करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, 17% हमारे पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 17% एग्रीकल्चर GDP में कंट्रीब्यूट करा है, और 17% ही हम पॉपुलेशन हमारे पास, 4.2% हमारे पास वाटर की रिसोर्सेज हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2.3% हमारे पास ग्लोबल लैंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वाटर की रिसोर्सेज भी आपको इम्पोर्टेंट है, और ये वाले भी 4.4 to 6 times हमारे पास कम है रिसोर्सेज एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। अगर डेवलप्ड कंट्री की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, USA, वहां पे एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है, 1000 per acre, और इंडिया में less than 1 hectare, हम 1 acre भी बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज। फिर हमने नेट सोन एरिया जो था 118.75 million hectare था 1950 में, फिर हमने इसको बढ़ा दिया था 142 million hectare, थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ चुका है, वो आपको करेक्ट करवा दिया जाएगा। 137% हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी, उसको भी हमने फर्दर आगे बढ़ाया है, लेकिन लैंड का जो लैंड होल्डिंग साइज है वो हमारा डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू डेमोग्राफिक या फिर पॉपुलेशन की वजह से, हमारा लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा कम हुआ है पहले के कंपेरिजन में। एग्रीकल्चर यूज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 85% जो वाटर हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, 16 to 17% हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, और हमारा डोमेस्टिक अगर देखें तो 1 to 2%। हमारे पास 162 million hectare अरेबल लैंड है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो हमने क्रॉप ग्रो की है या फिलहाल हमने क्रॉप उगा रखी है, तो उसका एरिया 162 है, जिसमें 60 million hectare ही इरिगेटेड है। तो आप देख रहे
कि 100 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास रेनफेड है, उसका अगर परसेंटेज हम निकालेंगे तो 65%। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। एक थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल डाटा हम शेयर कर रहे हैं कि जो टोटल वाटर है प्रेजेंट ऑन द अर्थ, 3/4 आपका है ओशियंस में, 29% आई थिंक लैंड है हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 1% ही फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड का हम पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सिर्फ 1%। 2020 में हमने क्या सोचा कि 29% हम वाटर इंक्रीज करें, अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी है, लेकिन 12% हमारे पास पानी पहले से ही कम हो चुका है। तो दोनों फैक्चुअल डाटा आप याद रखना, 29% हमने इंक्रीज करना है लेकिन 12% हमारा डिक्रीज हो चुका है। न्यूट्रिएंट की जो एफिशिएंसी है वो हमारी कितनी है, 2 से 50%। न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इन द सेंस कि अगर आपने न्यूट्रिएंट यूज किया है तो अगर जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी उतना ही आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, एनपीके का रेशियो कितना है, स्टैंडर्ड 4:2:1। अगर आपने 40 किलो नाइट्रोजन यूज किया है तो आपको 20 किलो फॉस्फोरस यूज करना है और 10 किलो पोटेशियम, लेकिन ये इसका उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा में 75:24:1 ये रेशियो यूज किया जा रहा है, और पंजाब में रेशियो 35:9:1। तो हरियाणा का जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पोल भी रखवाया था उसमें स्टूडेंट ने सिर्फ बिना क्वेश्चन पढ़े ये वाला ऑप्ट किया था। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो स्टैंडर्ड्स और जो कि गवर्नमेंट की बुक्स हैं और गवर्नमेंट जो प्रेफर कर रही है उसके हिसाब से, तो लो एफिशिएंसी जो है हमारी, इसको इन्वायरमेंट कंसर्न भी है क्योंकि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं और ओवरऑल 78% पहले से भी है। तो ये हमारे जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो यहाँ पे हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी भी हम बात आती है तो ऑर्गेनिक का नाम लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक भी हम देख पा रहे हैं कि श्रीलंका में जो क्राइसिस था उन्होंने बैन कर दिया था इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो गवर्नमेंट हैव टू टेक मैनी इनिशिएटिव, बट सभी का कोऑपरेशन जरूरी है। यहाँ पे फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए हमने डाइवर्सिफिकेशन लेके आए थे, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम से हम हरियाणा के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे। इंप्रूविंग कोल्ड स्टोरेज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पोस्ट हार्वेस्ट, अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट अच्छे से हो तो 80 to 85 मिलियन टन ऑफ फूड आइटम सेव कर सकते हैं। तो ये फिगर आपसे पूछा जा सकता है, और एफसीआई की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 17% जो हमारा, जस्ट अ मिनट अभी, तो एफसीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यूट्रिशन है फूड में वो 17% लोग इस न्यूट्रिशन की वजह से अपनी जान गंवा रहे, और बहुत सारा हमारा जो फूड स्टोरेज है वो खराब भी हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से। हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 2% है और 1% हम एनिमल प्रोडक्ट में ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। हमारा 15% ही मिल्क जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जस्ट अ मिनट, फिफ्टीन परसेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 15% जो मिल्क है उसको हैंडल कर रही है, बाकी सारा का सारा इंडिविजुअल लेवल पे या फार्मर खुद अपने लेवल पे उसको सेल और बाय कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, और एनर्जी पे डिपेंड है एग्रीकल्चर, जैसे जनरेटर वगैरह हम यूज कर रहे हैं फॉर इरिगेशन, तो उसमें हम पीएम कुसुम के तहत पर ईयर 50,000 सोलर पंप हमारा लगाने का टारगेट है इन द हरियाणा,
2002 का जो ईयर था इसको हमने वर्ल्ड का रोस्ट ड्रॉट कंसिडर किया था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन बोलवर्म और जो बाकी की सारी क्रॉप थी इसमें यहाँ पे इफेक्ट हुई, वूली एफिड, इंसेक्ट पेस्ट। WTO का जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना था, रिप्लेस द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसने सिर्फ 1% इंडिया का जो ट्रेड है वो एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करा, सिर्फ 1% ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने डिसिप्लिन में हम PhD करवा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे BT कॉटन के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये वाले पॉइंट सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हैं, इनका एज सच एग्जाम में कोई भी रोल नहीं, लेकिन जो ICR का पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, सबसे पहले 1889 में हमने क्या बनाया था, पुणे में बैक्टीरियोलॉजिकल लैब, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया, क्या नाम दिया गया, IVRI, जिसको इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इजाजतनगर यूपी में है। लेकिन 1905 में हमने पूसा बिहार में ICR स्टेब्लिश किया, जिसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में बनी थी तो इंपीरियल वर्ड यूज करते थे। फिर 1928 की जो रिपोर्ट थी, रॉयल कमीशन रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इसको इंपीरियल नाम दिया गया था। सबसे पूछ सकते हैं ICR किसके अंडर में बना था, इंपीरियल या फिर रॉयल कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 16 जुलाई 1929 को इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज ऑफ फ्लड आ गई थी वहां पे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके अंडर ही रजिस्टर थी पहले, लेकिन बाद में 1960 के बाद इसको एक सेक्रेटरी बॉडी बना दिया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करके। तो ऑटोनॉमी है इसके पास कि अपनी जो खुद की गाइडलाइंस यूज कर सकती है और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनको गाइडलाइन दे सकती है, बट दे आर नॉट बाइंडिंग। 100% ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एच मैं आपको सारे के सारे पढ़ के सुना सकता था, लेकिन इसका कोई भी आउटपुट निकल के नहीं आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। IVRI में हमने एक ICR रिव्यू टीम बनाई थी। फिर जो एग्जैक्ट ईयर था, सॉरी, 1970 में इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेशन, हमने ICR को एक कंप्लीट स्टेट्यूटरी बॉडी बना दी गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर गजेंद्र गडकर कमेटी 1972 में, एग्रीकल्चर जो रिसर्च एजुकेशन, DAR जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको हमने सेटअप किया 1973 में। तो अगर इसी कमेटी पूछे तो 1972, लेकिन इसको कब बनाया था, 1973 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ICR के साथ इसको अटैच किया गया। इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड जो UPSC के पैटर्न पे इसके एग्जाम लेता है, ये सब नॉट सो इम्पोर्टेंट। 1987 में GVK राव जो कमेटी थी डिसेंट्रलाइजेशन पे, उसने इसको विजिट किया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी 2004 में, उसमें हमने एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में इस पे फोकस किया था, बेसिक स्ट्रेटेजी बताई थी एग्रीकल्चर साइंस की। इन रेस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड ए नेशनल फंड फॉर स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अगर आपसे अगर पूछ ले कोई इस टाइप से, तो 2004 की कमेटी याद रखना, MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन में कितनी कोस्ट आती है, A2+FL+C2, आई थिंक इसमें C2 क्या, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में हमने और क्या अडॉप्ट किया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है हमारे पास 576, जो फिलहाल बढ़ के 700+ केवी केज है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने साइंटिस्ट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और जो हमारा ये वाला पार्ट आप याद रखना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो फिलहाल नरेंद्र तोमर है, इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर सोसाइटी। और इसकी जो एनुअल मीटिंग है एटलीस्ट वन टाइम इन ए ईयर। फिर आईसीआर के जो मैंडेट हैं ये आप पढ़ सकते हैं, नाम अहमदाबाद जो कि मैनेजमेंट के लिए रिसर्च कर रहा है। हमारे पास 91 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है 1957 से। कंट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर का 75:25 है। अब ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, इन नंबर ऑफ रिसर्च आईसीआर इंस्टीट्यूट अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्रॉप साइंस के लिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 50 हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 12 हैं और टोटल कितने हैं, 185। ये 2019 का डाटा है, सो आगे जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। एडहॉक कमेटी क्या होती है, बेसिकली जो टेम्पोरेरी बेसिस पे, जैसे हमें कोई भी, जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमने एडहॉक कमेटी बना दी कि जैसे जब ये काम खत्म होगा तो एक टेम्पोरेरी कमेटी भी खत्म हो जाएगी। तो 3 to 5 ईयर ड्यूरेशन हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन कमीशन, ये एजुकेशन कमेटी 1949 में था, जो डॉक्टर राधा कृष्ण थे फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके अंडर में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए थे, 45 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये नंबर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने। और कृषि विज्ञान केंद्र पहला हमने बनाया था 1973 में एट पॉन्डिचेरी, 1974 में इफेक्ट में आया था, 73 का जो एक्ट था। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ये 1976 का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडिशनल केवी के 50 डिस्ट्रिक्ट में और किया था। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 2025 तक फॉर आईसीआर इंस्टीट्यूट हमें नेशनल ग्रिड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वास्ट डाटा और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में हमें इंप्रूव करना है टू द आईसीआर। इंट्रोडक्शन विजिटिंग साइंस, ये सब 2025 का टारगेट। अब ये याद रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आईसीआर ने कब कॉपरेशन किया था, 2006 में। हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का टारगेट कब तक का है, सॉरी ये पेज थोड़ा इसको स्कैन ढंग से नहीं किया, 2050 तक का टारगेट है। और रिन्यूएबल एनर्जी का अगर पूछे तो 2030 तक हम सारे का सारा जो हमारा एनर्जी का काम है वो 50% रिन्यूएबल से करना चाहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी ये वाली क्लास फैक्चुअल डाटा था, तो प्लीज आप अपने लेवल पे इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IARI, IVRI, फिर जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं 150 के आसपास, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी ट्रिक्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 2 या 3 दिन ऐसी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हमारा जो एग्रोनॉमिकल पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो प्लीज इसमें हार्डली 10 से 11 क्वेश्चंस बन रहे हैं टोटल, आप अपने लेवल पे बनाओगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा जो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम हैंडबुक ऑफ हरियाणा ADO में डाल देंगे, तो आप सिर्फ इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं, बैच के स्टूडेंट हैं, उनको बैच में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, अब जाके वहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट डेमो क्लास के लिए बोल रहे थे, तो आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिंक में आपको और क्लासेज मिलेगी, आई थिंक 10 से 15 दिन पहले की थी, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी हम ट्राई करेंगे अच्छे से अच्छे इसमें इम्प्रूव करें जा सके, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम इस सेटअप पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर नहीं हूँ, तो ट्राई करेंगे इसको इम्प्रूव करने का। और प्लीज जो बैच के स्टूडेंट हैं, प्लीज आप लोग इसके नीचे सजेशन दे सकते हैं, क्या हम व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं,
क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इससे हमारा कुछ इन्फीरियर है या फिर सुपीरियर टाइप से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद ने यूपीएससी की तैयारी की तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे चलती है। तो ये सब अपना अपना प्रोसेस लोगों ने माइंडसेट सेट कर लिया कि डिजिटल बोर्ड। बाकी मैंने अभी तक व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया, तो अभी थोड़ा सा इसमें इश्यू फेस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से माफी चाहेंगे कि ये वीडियो इतनी लेट बन रही है, क्योंकि मैं कल शाम को ही बहुत लेट पहुंचा था, तो अभी फिलहाल की तबीयत थोड़ी खराब थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।